और आज हम देखते हैं कि भारत की लोकसभा की पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ। हमारे प्रधानमंत्री वो एक फोटो आई लेटे हुए हैं, फिर एक टीवी पर मैं देखा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी रहना चाहिए था। अरे यही तो भारत की खूबसूरती है। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का एक मजहब नहीं है, भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है, भारत पूरे मजहबों को मानता है। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते, बाहर हुआ। मगर लोग बोलते हैं, अब बोलेंगे नहीं बाहर नहीं हुआ, उस सूर्य रहमान का सूरा नहीं पढ़े। अरे भाई, अंदर भी पढ़ना था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये देश के वजीर आजम को नहीं करना चाहिए था। मिस्टर मोदी, आप हिंदुओं के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मुसलमानों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, सिखों के लिए भी हैं, आदिवासियों के लिए, आप सब 130 करोड़ जनता के वजीर आजम हैं।